उमर मुस्तफ़ा का सवाल जी भावलपुर से, अल्लाह ताला के हम पर कौन कौन से हुकूक हैं जिनको अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है जी? जी अल्लाह ताला का हक यह है कि हम उन अल्लाह ताला की इताअत करें, और इंसानों का वैसे अल्लाह पे तो कोई हक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ऊपर ये लाजिम किया है कि अल्लाह ताला इनको रिस्क देंगे और इनकी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए किफ़ायत करेंगे, तो हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी है। फिर इस अल्लाह ताला की जो इताअत है इसी को इबादत कहा जाता है, तो इबादत में वो इबादतें भी आती हैं जो कि मामूल की इबादतें हैं कि हम फ़र्ज नमाज है, ज़कात है, हज है, जो चीज़ें भी फ़र्ज़ होती जाएंगी, वाजिब होती जाएंगी, सुन्नत मुक़द्दा के दर्जे में आएंगी, उसका करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। और उसके अलावा जो चीज़ें लोगों के हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब किए हैं कि भाई आपने ये हकूक़ अदा करने हैं, चाहे वो सिले रहमी के कबील से हो, चाहे किसी माहदे की वजह से हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते की वजह से मेहर वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी इनका देना अल्लाह की इताअत है, और अल्लाह की इताअत अल्लाह का हक है, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के अंदर भी हमें अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए।